तो यहां पर इस श्लोक में कश्यप मुनि दिति को बताते हैं कि उनके गर्भ में जो दो पुत्र उनके पल रहे हैं वो असुर हैं, और जब इन असुरों का जन्म होगा हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, ये सारे विश्व के अंदर में, ये सारे संसार में तबाही मचाएंगे, उथल पुथल मचाएंगे, अनेकों प्रकार के लोगों को पीड़ा के कार्य करेंगे, स्त्रियों को पीड़ा देंगे, साधुओं को पीड़ा देंगे, बाकी जितने भी जीव हैं सबको पीड़ा देंगे। तो जब ये इस प्रकार से अधर्म को बढ़ाएंगे, जब भक्त लोग इन दो असुरों से बिल्कुल तंग हो जाएंगे, तब भगवान स्वयं धरती पर आएंगे, और उस समय जिस प्रकार से इंद्र जो है अपने वज्र के द्वारा एक बड़े से बड़े विशालकाय शरीर वाले एक पहाड़ को चकनाचूर कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक इसी प्रकार भगवान जो है इन दोनों असुरों का संहार करेंगे, और इसके द्वारा भगवान की दोनों के ऊपर कृपा होगी, भक्तों की सुरक्षा होगी, उनके ऊपर भी कृपा है, इन असुरों का संहार होगा, इनके ऊपर भी वो कृपा है। एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण है समझना, क्रिमिनल को पनिश करना, उसको सजा देना, उसके ऊपर कृपा है दो प्रकार से। अभी हम लोग देखते हैं समाज के अंदर में क्रिमिनल को अलग जगह पर प्रिजन हाउस में उसको जो है रखा जाता है, वो क्या कारण है? दो कारण। एक तो जो लॉ अबाइडिंग है, जो नियमों का पालन करना चाहते हैं, जो नागरिक हैं, जो अच्छे नागरिक हैं, गुड सिटीजन्स, उनके बीच में रह करके ये गलत उदाहरण लोगों को दे रहे हैं, और इनके नियमों के तोड़ने से बाकी सभी लोगों को परेशानी हो रही है। मान लो चोर उचक्के हैं, घरों को लूट रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, अनेकों प्रकार के गलत कार्य कर रहे हैं, समाज के अंदर में अशांति फैल जाएगी। तो लॉ क्या करता है कि जो लोग ये इस प्रकार से शांति से नहीं जीना चाहते हैं, नियम शांति के लिए बनाए जाते हैं, नियम जो है हमको प्रॉब्लम देने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। अगर गवर्नमेंट ने ट्रैफिक का रूल्स बनाया है, वो हमें प्रॉब्लम के लिए नहीं बनाया है। रूल्स जरूर हैं, हमको रुकना पड़ेगा कई जगह पर, लेकिन वो सब सही प्रकार की व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं। तो इसी प्रकार से भगवान ने इस भौतिक संसार के अंदर में अनेकों नियम बनाए हैं, वो हमारे लिए हैं, ताकि हम लोग इन नियमों का पालन करके सही प्रकार से भौतिक संसार में शांति से रह सकें। शांति से रहने के बाद में हम, क्योंकि जब अशांति है तो हम लोग भगवान के बारे में कहां से सोचेंगे, तो जब शांति है तो शांति के साथ में हम लोग, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का ध्येय क्या है, उसके बारे में हम लोग विचार कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने जो है अनेकों प्रकार के नियम बनाए। तो जब गवर्नमेंट, जो लोग नियमों को तोड़ते हैं, जो उसका पालन नहीं करना चाहते हैं, जब गवर्नमेंट इन लोगों को अलग कर देती है, ये दोनों लोगों के लिए बेहतर है, सिटीजन्स के लिए भी अच्छा हो गया,
ये जो लोग मुश्किल पैदा कर रहे थे अब ये मुश्किलें नहीं होंगी क्योंकि इन लोगों को अलग किया जा चुका है। इन लोगों के लिए भी अच्छा है। एक, कम से कम जब ये लोग शैकल्स में रहेंगे, जब इनको हथकड़ियां लगेंगी, तो अब ये लोग उस प्रकार के उपद्रव नहीं फैलाएंगे समाज के अंदर में। दूसरा, इनको जो है एक प्रकार की पनिशमेंट दे करके, सजा दे करके इनको थोड़ी अकल आएगी कि भाई ये सब गलत काम है, अगर मैं गलत काम करूंगा तो सजा मिलेगी, तो इनका भी मन के अंदर में कुछ बदलाव आएगा। तो ये जो सजा दी जाती है, जो प्रिजन हाउस है, वो भी एक प्रकार की अरेंजमेंट है, उनके लिए बढ़िया है। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान का इस धरती पर आना, अपने भक्तों की रक्षा करना और इन उपद्रवी लोगों का, असुरों का विनाश करना, दोनों के लिए भगवान की कृपा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। और खासकर भगवान सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, एब्सोल्यूट है। उनका हरेक कार्य बाहरी रूप से देखने से हो सकता है कि लगे कि उसके अंदर में कुछ गलतियां हैं, लेकिन एक्चुअली भगवान का हरेक कार्य एब्सोल्यूट होता है, सर्वोच्च होता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जब भगवान ने पूतना की हत्या की, पूतना जो है एक राक्षसी थी, जब भगवान ने पूतना की हत्या की, लोगों ने साक्षात देखा कि भगवान ने इस असुर का भी उद्धार किया, लोगों को देखने को भी मिला। कैसे? जब भगवान ने पूतना का वध किया तो लोगों की तो सुरक्षा हुई, वो अनेकों प्रकार से क्रूरता से छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर रही थी, समाज के अंदर में इस प्रकार से अशांति फैला रही थी। तो भगवान ने जब उसकी हत्या की तो बाकी लोगों की तो सुरक्षा हुई, लेकिन पूतना का भी उद्धार हुआ। तो जब भगवान ने पूतना की हत्या की और जब उसके शरीर को बाद में जलाया गया, तो पूरे के पूरे वृंदावन में, जहां पर पूतना की हत्या हुई थी, पूरे के पूरे वृंदावन में एक मधुर, बड़ी ही जो है बहुत बढ़िया सुगंधित खुशबू जो है सब लोग देख रहे थे और सब लोग सोच रहे थे कि ये सुगंध कहां से आ रही। तो उन्होंने देखा कि वो सुगंध जो है पूतना के शरीर से निकल रही है। देखिए, राक्षस का शरीर, लेकिन उसमें से आने वाली जो है सुगंध बहुत बढ़िया महक खुशबू है। क्यों? क्योंकि वो शरीर जब भगवान के हाथों के द्वारा टच हुआ तो ऑर्डिनरी नहीं रह जाता है, और मृत्यु के उपरांत पूतना को भगवान ने अपनी मां का स्थान प्रदान किया, क्योंकि भगवान ने सोचा किसी ना किसी प्रकार से हो सकता है दुष्टता के द्वारा मुझे मारने के लिए इसने जो है मुझे दूध पिलाया, लेकिन भगवान ने वो नेगेटिव पार्ट नहीं लिया, भगवान ने केवल पॉजिटिव पार्ट लिया कि नहीं, इसने मुझे जो है स्तन पान कराया, ये मेरी मां के बराबर है। तो भगवान ने मृत्यु के उपरांत उसे मुक्ति की प्राप्ति दी और वो स्थान प्राप्त हुआ। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं वो परफेक्ट है, उसमें कोई खामियां नहीं है। तो भगवान का किसी को, असुर को मारना और भगवान का भक्तों को प्रोटेक्शन देना, दोनों बराबर के कार्य। जैसे मान लीजिए डॉक्टर जो है आपको, जो है आपने अनेकों प्रकार की कुछ बीमारी लगा ली है, या फिर आपके दांत के अंदर में बड़ा दर्द हो गया, आपने जो है मिठाइयां बहुत खा ली हैं, अब दांत में आपका दर्द हो गया है,
जब आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा पेनफुल ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तब आप डॉक्टर को जो है नहीं कह सकते कि भाई डॉक्टर तू मेरे को पेन दे रहा है, आप डॉक्टर होकर के मेरे को पेन दे रहे हैं। नहीं, वो पेनफुल ऑपरेशन करके तुम्हारा पेन निकाल रहा है, तुमने ऐसी परिस्थिति बना ली है कि तुम्हें वो पेन आ रहा है। वो परिस्थिति डॉक्टर ने नहीं बनाई थी, वो परिस्थिति हमने बनाई है। डॉक्टर जो है उसको सर्जरी करके जब निकाल करके वो पेन को खत्म करता है। तो ये भगवान की सर्जरी है। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। हमें ये नहीं समझ लेना है कि भगवान जो है कुछ, भगवान के लिए कुछ लोग एनिमी है, कुछ लोग फ्रेंड है। नहीं, समोहम सर्वभूतेषु, भगवान के लिए सब बराबर हैं, भगवान के लिए कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन जो है हम लोग द्वेत में रहते हैं, हम लोग द्वंद में रहते हैं, ड्यूअलिटी जिसको बोलते हैं। हम क्या सोचते हैं, किसी लोगों से मुझे जो है अच्छा मिलता है, कोई मेरी कमर को खुजा रहा है तो मैं बोलता हूं तुम बड़े अच्छे आदमी हो भाई, यू आर ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। जब वो खुजाना बंद करता है, जब उससे मुझे कुछ मिलता नहीं है, तो तुम बेकार हो, तुम मेरे दुश्मन हो, है कि नहीं? मटीरियल वर्ल्ड ऐसा है। जब तक हमें हमारी इच्छाएं पूरी हो रही है, हमारी जरूरतें किसी से पूरी हो रही है, हम लोग बोलते हैं ना फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। मतलब क्या है, हम लोग जरूरत के लिए दोस्त बनाते हैं, मेरी जरूरत रहेगी तो मेरी हेल्प करेगा, हम लोग सोचते हैं वो मेरा मित्र है। ठीक है, एनिमी कब होता है, जब मेरी जरूरतों को वो ले जाना चाहता है, छीनना चाहता है, मेरे पास में जो है वो लेना चाहता है, हम लोग उसको बोलते तू मेरा एनिमी है, मेरा दुश्मन है। लेकिन जरा सोचिए, भगवान के लिए क्या कमी है, भगवान को क्या जरूरत है? हम लोग दोस्त क्यों बनाते हैं, किसी की जरूरत पड़ती है। भगवान आत्मा राम है, अपने में पूर्ण है भगवान, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी सहायता की जरूरत नहीं है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं समोहम, मैं सबके लिए बराबर हूं, ना भगवान का कोई मित्र है ना भगवान का कोई दुश्मन है। हम लोग भगवान को कई बार मित्र बनाते हैं, कई बार दुश्मन बनाते हैं। हिरण्यकशिपु भगवान को दुश्मन समझता है, कंस भगवान को दुश्मन समझता है, ये हमारी परिस्थिति है। तो भगवान, उनका कार्य सबके लिए बराबर है और सबके लिए लाभ देने वाला है। असुरों के लिए भी भगवान का जो कार्य करते हैं, भगवान जो इस भौतिक संसार में आकर के जो भी करते हैं, सबके लिए लाभप्रद है, ये हमें समझना है। प्रभुपाद बताते हैं कि सबसे पहले भगवान इतने दयालु हैं कि हम भगवान को जो है छोड़ करके इस भौतिक संसार में आ गए हैं अपनी इच्छाओं के कारण, भगवान से द्वेष करके। इच्छा द्वेष समुत्थेन, मतलब दो चीजों के कारण हम इस भौतिक संसार में आते हैं। एक तो जब हम भगवान के साथ में कंपीट करते हैं और भगवान से अलग होकर के इच्छा करते हैं कि नहीं, भगवान के साथ में क्यों एंजॉय करना, इंडिपेंडेंटली एंजॉय करूंगा। कई बार आपने देखा होगा ना, बच्चा सोचता है मां आप ही क्यों खाना बनाती है, मैं भी खाना बनाऊंगा, बच्चा जिद करता है कि? तो ठीक इसी प्रकार से, तो जीव के अंदर में इच्छाएं हैं, जब हम उन इच्छाओं का प्रयोग, उसका यूज, उसका इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए करते हैं, वो भक्ति कहलाती है। जब अपनी स्वतंत्रता, अपनी इच्छा का इस्तेमाल हम लोग भगवान से इंडिपेंडेंट होने के लिए करते हैं, केवल हम इस संसार में दुख भोगते हैं।
तो प्रश्न ये उठेगा, भगवान भेजते क्यों है फिर संसार में? अगर भगवान को पता है हम लोग यहां पर आकर के दुख भोगेंगे, ये संसार इंडिपेंडेंट है, भगवान से अलग है, तो भगवान यहां पर हमें भेजते क्यों है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान खुशी होकर के नहीं भेजते हैं। गवर्नमेंट खुश होकर के नहीं बोलते कि आ जाओ भाई जेल भरो, है ना? जैसे गांधी जी ने जब नारा लगाया था जेल भरो आंदोलन, सब लोग जाकर के जेल के अंदर में, वो कुछ कारण था। नहीं तो गवर्नमेंट इनविटेशन लेकर के नहीं बैठी, हमारी जेल खाली है, हुगली की जेल खाली है, अंदर आओ, है ना? तो भगवान कोई खुशी होकर के हमको इस भौतिक संसार में नहीं भेजते। भौतिक संसार भी प्रिजन हाउस की तरह है, ये हमें समझना है। क्यों प्रिजन हाउस की तरह है? भगवान भगवत गीता में बताते हैं, आत्मा सत है, चित्त है, आनंद है, आत्मा इटर्नल है, हम लोग एक्चुअली इटर्नल हैं। इस संसार में आकर के हमारी इटर्निटी चली जाती है, एक दिन जन्म लेना है, एक दिन मरना पड़ेगा। जरा सोचिए कैसी कंडीशनिंग बना दी है। जैसे हम लोग एयर कंडीशन बोलते हैं ना, एयर को कंडीशन कर देते हैं, इसी प्रकार आत्मा एक कंडीशन में फंस गई है, अब उसके ऊपर कंडीशन लग गई। जैसे जेल के अंदर में जो प्रिजनर्स होते हैं उनके ऊपर कंडीशन लगा दी जाती है, बाहर हम लोग स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। जेल में जाने के बाद आप नहीं बोल सकते हैं कि आज मंडे है, मैं रोज इडली खाता था घर में, यहां पर इडली चाहिए मुझे। नहीं भाई, यहां पर तो आपको जेल का भोजन मिलेगा, है कि नहीं? तो ये कंडीशन में हम लोग इस भौतिक संसार में फंस जाते हैं। भगवान खुशी से हमको इस संसार में नहीं भेजते, अनिच्छा के द्वारा भगवान भेजते हैं। प्रभुपाद एक बड़ा सुंदर वृतांत उसके बारे में बताते हैं। 1925 में, 1925 या 26 की बात है, प्रभुपाद जी, उनका छोटा बच्चा 2 साल का था, तो आपको पता है छोटे बच्चे लोग काफी जिद करते हैं, तो उनका छोटा बच्चा जिद कर रहा था, पापा मैं ये जो टेबल फैन लगा हुआ है उसको हाथ लगाऊंगा। टेबल फैन जोर से घूम रहा है और बेटा बोल रहा है नहीं, बार बार उंगली अंदर दिखा रहा है, मैं उंगली लगाऊंगा उसके अंदर। तो पिताजी ने बहुत समझाया, नहीं बेटा चोट लग जाएगी, हाथ कट जाएगा, खून निकलेगा, हाथ नहीं लगाते, डेंजर है। लेकिन बच्चा नहीं मान रहा था। तो प्रभुपाद जी का एक फ्रेंड वहीं पर साथ में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा प्रभुपाद जी एक काम कीजिए, ये फैन थोड़ा स्लो कर दीजिए, स्लो करने के बाद में आप उस बच्चे को बोलिए हाँ बेटा लगा ले, हाथ लगा ले, तब आप देखिए। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, फैन को स्लो कर दिया, धीमा कर दिया, और बच्चे को बोला कि हाँ बेटा अब तू हाथ लगा ले। तो जैसे ही बच्चे ने हाथ लगाया, टंग टंग 2 बार उसकी जो है उंगली के ऊपर लगा। अब फैन स्लो था, उंगली तो कटी नहीं, ज्यादा घाव तो नहीं हुआ, लेकिन बच्चा डर गया। फिर पिताजी ने पूछा, बेटा अब लगा ले, दोबारा हाथ लगा। तब बोला, नहीं पिताजी अब हाथ नहीं लगाऊंगा। पिताजी उसका हाथ खींच रहे, ले 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 और लगा ले। नहीं, वो पीछे की तरह, अब हाथ नहीं लगाऊंगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, ठीक इसी प्रकार जीव इस भौतिक संसार में आता है। भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, भौतिक संसार में मेरे से अलग रह करके अनेकों प्रकार के दुखों को भोगना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग मानते नहीं है। नहीं भगवान, इंडिपेंडेंट रहना है, इंडिपेंडेंट जीवन जीना है। तब भगवान अनिच्छा के द्वारा, खुशी के द्वारा नहीं, अनिच्छा के द्वारा भगवान सैंक्शन करते हैं कि ठीक है हम भौतिक संसार में जा सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान देखिए कितने दयालु, उसके बाद भी दोबारा भगवान भौतिक संसार में आते और कहते हैं, परित्राणाय साधुनाम
विनाशाय च दुष्कृताम। भौतिक संसार में आने के बाद में भी भगवान रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, और फाइनली भगवान ऑर्डर भी देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्या माम एकम शरणम व्रजा। क्यों बेकार की चीजों में लगा हुआ, सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। आम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन हम लोग फिर भी इतने ऑब्स्टिनेट हैं कि हम लोग जो है बाज नहीं आते। फिर भी हम लोग जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में घूमने में लगे। तो ये भौतिक संसार में हम लोग इस प्रकार से दुख पा रहे हैं, लेकिन भगवान ने बड़ी स्पेशल अरेंजमेंट की है। उसके बावजूद भी भगवान स्वयं आते हैं। जो भगवान की भक्ति, जो भगवान का मिशन है, उसके प्रति जो कार्य कर रहे हैं, जो बाकी जीवों को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, भगवान उनको प्रोटेक्शन देते हैं, परित्राणाय साधुना। और जो लोग द्वेष फैलाते हैं, जो लोग अनेकों प्रकार से लोगों को पीड़ित करते हैं, दुख देते हैं, इन प्रकार के असुरों को, नास्तिक लोगों को भगवान उनका विनाश करने के लिए स्वयं आते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। यही आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान को राक्षसों को मारने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान को यहां पर आने के लिए जरूरत नहीं है राक्षसों का संहार करने के लिए। आज के श्लोक में बताया गया है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे, भगवान के बहुत सारे एजेंट्स हैं। जैसे यहां पर उदाहरण दिया गया है, इंद्र अपने वज्र के द्वारा बड़े से बड़े माउंटेन, बड़े से बड़े जो है पहाड़, उस पहाड़ का भी विनाश कर सकते हैं। इंद्र अपने वज्र को जब फेंकते हैं, उसके द्वारा बड़े से बड़े माउंटेन, बड़े से बड़ा पर्वत भी चकनाचूर हो जाता है। इस संसार के अंदर में किसकी बॉडी, किसका शरीर इतना ताकतवर है जो माउंटेन के बराबर हो? हम सबके शरीर क्या है, हड्डी पसलियों से बने हुए हैं। एक बम लगाए नहीं कि सारा शरीर उड़ जाएगा। तो भगवान को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान को क्यों आने की जरूरत है? भगवान के और बहुत सारे एजेंट हैं, जैसे दुर्गा है, काली है, आपने देखा होगा उनके हाथ में त्रिशूल है, करेक्ट? वो कौन सा असुर है? महिषासुर है ना, मर्धिनी उनका एक नाम है। तो इस प्रकार के असुरों के वध के लिए भगवान के बहुत सारे एजेंट हैं। तो भगवान को डायरेक्टली आने की कोई जरूरत नहीं। वो छोड़ो, अगर भगवान चाहें, जैसे आज से हमने थोड़े साल पहले देखा, अगर समुद्र के अंदर में उफान आ गया, लाखों लोग एक साथ मर जाते हैं। धरती अगर थोड़ी सी हिल गई, अर्थक्वेक आ गया, हजारों सैकड़ों लोग एक साथ में जो है तबाह हो जाते हैं। तो भगवान अपने धाम में बैठ करके एक छोटा सा संकल्प मात्र करने से, भगवान के एजेंट के द्वारा हजारों असुरों का नाश हो सकता है। भगवान को उसके लिए आने की जरूरत नहीं है, ये हमें समझना है। वो सेकेंडरी कार्य है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से समझिए, परित्राणाय साधुनाम। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य भगवान का साधुओं की रक्षा है। नेक्स्ट आता है विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्ट लोगों का विनाश सेकेंडरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान के भक्त की रक्षा करना। प्रभुपाद जी एक छोटी सी कथा बताते हैं जिससे हम लोग समझ सकते हैं भगवान साधुओं के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए स्वयं क्यों आते हैं इस संसार में। तो एक राजा था,
उनका जो मंत्री था उसका भगवान के ऊपर बहुत भरोसा था, तो वो भी कहता था परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता। भगवान जो है साधुओं की रक्षा के लिए स्वयं धरती पर अवतार लेते हैं, संभवामी युगे युगे, है ना, भगवान बोलते हैं। तो राजा कहते हैं कि भाई देखो मैं भी राजा हूं, अगर मैं राजा हूं मेरी प्रजा की रक्षा करने के लिए अगर मेरे इतने सारे एजेंट हैं, मेरी सेना है, मुझे डायरेक्टली जाने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो भगवान को आने की क्या जरूरत है? भगवान के पास में इतने सारे एजेंट हैं, इतने सारे देवी हैं, इतने सारे देवता लोग हैं, प्रकृति है, मदर नेचर है, फिर भी भगवान डायरेक्टली क्यों आते हैं? तो उनके मंत्री कहते हैं कि राजा साहब जब समय आएगा मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा, अभी समय ठीक नहीं है, जब समय आएगा मैं आपको समझाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। एक दिन मंत्री ने कहा राजा जी आपके जो साथ में एक्सपर्ट स्विमर्स हैं, जो लोग अच्छी से तैराकी जानते हैं, आप उनके साथ में आइए, और आपका जो पोता है, ग्रैंडसन है, उसको भी लेकर के आइए। ठीक है, राजा जो है अपने सभी प्रकार के बढ़िया तैराक लोगों के साथ में और अपने छोटे बेटे के साथ में, अपने पोते के साथ में वहां पर आ गए। तो इस मंत्री ने क्या किया, धीरे से वो पोते को लिया और वहां पर जो है एक तालाब था, उस तालाब में धकेल दिया। तो जैसे ही उनका पोता, राजा का पोता तालाब में गिरा, राजा ने तुरंत वहां पर छलांग लगा दी पानी के अंदर में, और उस राजा को जो है सही प्रकार से तैराकी भी नहीं आती, तैरना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी किसी ना किसी प्रकार से करके जो है अपने पोते को बचा करके लाया, और फिर अच्छा से अपने मंत्री को डांट लगाया तुमने ये क्या किया। तो उन्होंने बोला गुस्ताखी माफ करना राजा, लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता था कि देखिए आपके पास में बड़े से बड़े तैराक लोग मौजूद थे, लेकिन फिर भी आपने बाएं भी नहीं देखा, दाएं भी नहीं देखा, आपने जो है डायरेक्टली पानी के अंदर में छलांग लगा दी। आपने ये भी नहीं सोचा कि आपको तैरना आता है या नहीं आता है, लेकिन प्रेम के कारण, नेचुरल अफेक्शन है आपके पोते के साथ में, इसलिए जो है आपने तुरंत उसके अंदर में छलांग लगा दी। तो ठीक इसी प्रकार से इतने सारे तैराक होने के बावजूद भी राजा डायरेक्टली गया अपने पोते को बचाने के लिए। इसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा अपने एजेंट्स के द्वारा कर सकता है, लेकिन फिर भी भगवान डायरेक्टली भौतिक संसार में अवतार लेकर के आते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, भक्त भगवान को देखने के लिए बहुत ईगर है, बहुत आतुर है, वो रीजन है। प्रहलाद महाराज भगवान को देखने के लिए बहुत आतुर थे, प्रहलाद महाराज तंग नहीं हो गए थे हिरण्यकश्यपु के द्वारा, वो तो भगवान की भक्ति में लीन थे, लेकिन क्योंकि बहुत आतुर थे इसलिए भगवान वहां पर प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नहीं, हिरण्यकश्यपु को मारना तो एक ओके, आने के बाद में भगवान जो है ये दूसरा कार्य भी कर देते हैं, सेकेंडरी कार्य है। प्राइमरी भगवान का कार्य है साधुओं की रक्षा करना, भक्तों की रक्षा करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो जीव जो है जब इस भौतिक संसार में भगवान की इच्छा के विरुद्ध इस संसार में आता है, तो हम लोग इस संसार में अनेकों प्रकार के दुखों को, क्लेशों को भोगते हैं। इसका क्या कारण है, ये प्रभुपाद जी जो है बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए बताते हैं। जैसे देखिए मछली जो होती है उसका नेचुरल हैबिटेट पानी में है, उसके नेचुरल रहने की जगह पानी के अंदर में है,
आप मछली को आर्टिफिशियली बाहर निकाल दो, आर्टिफिशियली बाहर निकाल करके आप उसको अनेकों प्रकार की सुविधाएं प्रदान करो, सोफा सेट दे दो, कान में सुनने के लिए बढ़िया म्यूजिक दे दो, एयर कंडीशन लगा दो, सारी फैसिलिटी दे दो, लेकिन पानी मत दो। मछली कहां से खुश रहेगी? बचपन में हम लोग एक पोयम बोलते थे, कौन बोलेगा? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो तो मर जाएगी। ये हमारी परिस्थिति है भौतिक संसार में। ये हमारी समझ में नहीं है कि हमारा अस्तित्व स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल पानी है। हम लोग अभी इस भौतिक पानी में उतर के आ गए हैं आर्टिफिशियली, और अनेकों प्रकार के दुख को भोग रहे हैं। प्रभुपाद इस उपरांत में एक और कथा का जिक्र करते हैं जो हम सब लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी। प्रभुपाद बताते हैं एक कौवा था। वो कौवा जो है रोज देखता था कि इतने सारे लोग मोर को देखने के लिए आते हैं। वो एक दिन जो है पहुंच गया कहीं पर पिंजरे में, देखा कि मोर वहां पर बंद है, हजारों लोग मोर को देखने के लिए आते हैं और कौवे को कोई नहीं देखता है। कौवे को सब लोग जो है पत्थर मार के भगाते हैं। तो सोचा क्यों ना मैं भी मोर बन जाऊं, बढ़िया काम हो जाएगा, तो मैं भी मोर बन जाता। तो उसने एक आइडिया लगाया कि आर्टिफिशियली मैं भी मोर बनूंगा। तो जंगल में गया जहां पर भी मोर सब नाचते थे। नाचने के बाद में क्या होता है, कई बार उनके पंख जो है गिर जाते हैं, तो रोज एक 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 पंख उठा करके रख लेता था। धीरे धीरे जब उसके पास में बढ़िया प्रकार से पंख जमा हो गए, उसने जो है अपने पीछे सारे पंख लगा लिए आर्टिफिशियल, और उसके बाद में सोचने लगा कि अब तो मैं मोर बन गया, अब तो बहुत बढ़िया हो गया। तो ये अब आधा कौवा आधा मोर, क्योंकि शक्ल से तो पूरा कौवा ही था, पीछे जो है केवल मोर के पंख लगा लिए थे। अब ये जो है सीधा उसने जो है बड़ी उड़ान ली और जाकर के जो है मोरों के पास में बीच में जाकर के पहुंच गया। मोरों ने देखा कि ये कौन सा बदसूरत नया जानवर यहां पर आ गया है। तो इन्होंने जो है इसकी कोई परवाह भी नहीं कि वो अपना काम करते रहे। तो काफी देर तक सोचा कि ये जो है मोरों के संग में मैं रहूंगा तो मैं भी इस प्रकार से जो है मुझे मोर के रूप में पहचानेंगे। उन्होंने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। तब इसने सोचा कि कम से कम चलो वापस कौवों के पास में तो जाता हूं। वापस गया तो उन लोगों ने भी चोंच मार के भगा दिया, ये कहां से कोई दूसरा जानवर आ गया हमारे पास में। तो बेचारा सोचने लगा कि ना तो मैं वहां पर खुश हो पाया ना यहां पर खुश हूं। तो प्रभुपाद बताते हैं हमारी परिस्थिति इसी प्रकार से है। हमारा एक्चुअली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन भगवान के सेवक के रूप में है। हम भगवान के सर्वेंट हैं, सेवक हैं। आर्टिफिशियली कृत्रिम तरीके से जैसे कौवा मोर बनना चाहता था, जब हम लोग भगवान की पोजीशन लेना चाहते हैं, जब हम लोग मास्टर बनना चाहते हैं, उस डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए आर्टिफिशियली भगवान हमको इस संसार में भेज देते, जाओ सेटिस्फाई कर लो। तो क्या हुआ, जब कौवा आर्टिफिशियली मोर बना, केवल उसको दुख की ही प्राप्ति हुई, कोई सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक इसी प्रकार जब जीव अपनी पोजीशन, सर्वेंट की पोजीशन को छोड़ करके मास्टर बनना चाहता है, तब केवल दुखों को मात्र भोगता है। ये हमारी परिस्थिति है। तो कृष्णा भावनामृत का मतलब क्या है, हमारी ओरिजिनल जो पोजीशन है, जीवेर स्वरूप होए नित्येर कृष्णा दास, भगवान का दास, भगवान का सेवक, जब हम उसमें दोबारा स्थापित हो जाएंगे तब हम लोग जो है सत चित आनंद में भगवान के संग सेवक के रूप में आनंद की प्राप्ति करेंगे।
वो भगवान का वेरी इंपॉर्टेंट कार्य है संसार में आने का। भगवान को सेवकों की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं सोच लेना। भगवान को लगता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ सेवक की जरूरत पड़ रही है, कुछ कमी पड़ गई है भगवान को, इसलिए भगवान जो है यहां पर कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ऐसा नहीं, भगवान प्रेम के कारण, दया के कारण, हमारे ऊपर कृपा के कारण भगवान पूर्ण है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जो मिठाई की दुकान में काम करता है उसको मिठाई का टेस्ट उसके लिए खास नहीं है, उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं है, करेक्ट है ना। हम लोग जो है धारवाड़ पेड़ा ये खाना है वो खाना है, जो मिठाई की दुकान में रोज काम करता है उसके लिए सब नॉर्मल है। इसी प्रकार से भगवान ने जो इतनी सारी ब्यूटीज बनाई है संसार के अंदर में, भगवान किसी ब्यूटी का भूखा नहीं है। भगवान जो कि सभी का पिता है, अहम बीज प्रदा पिता, तो भगवान को कोई सेवक की कमी नहीं है, भगवान अपने में पूर्ण है। लेकिन हमारे ऊपर दया करके भगवान जो है भौतिक संसार में आते हैं, कभी कभी स्वयं आते हैं, कभी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, इसी कार्य के लिए कि हम लोग दोबारा जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन भगवान के सेवक के रूप में, भगवान के संग, भगवान की सेवा में, अनेकों प्रकार की सेवाओं में हम लोग आनंद से रह सकते हैं। ये कार्य के लिए भगवान जो आते हैं। तो इसलिए जब भगवान कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि अहम्, तो ये भगवान का जो है इंपॉर्टेंट कार्य है इस भौतिक संसार में आने का रहता है। तो एक 5 मिनट में समाप्त करेंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कृष्णा भावना अमृत में, कि एक्चुअली ये शरीर जिससे हम लोग इतने आसक्त हैं, ये शरीर ही मेरी सारी दुखों का, सारी पीड़ाओं का कारण है। क्योंकि शरीर के अंदर में आज हम लोगों ने सोच लिया है ये मैं शरीर हूं, तो शरीर के ऊपर जो भी यातनाएं आते हैं हम सोचते हैं वो सब दुख मेरे हैं। आज हम लोग कंडीशन स्टेट में हैं तो डेफिनेटली शरीर के ऊपर जो भी प्रॉब्लम आएगी हमको दुख होगा। जब हम इस शरीर को समझ जाएंगे कि ये केवल मेरा एक वाहन है, ये केवल ड्रेस के बराबर है, मेरा ओरिजिनल स्वरूप भगवत धाम में है, मेरा ओरिजिनल स्वरूप आत्मा है, तो जब हमको ये समझ में आ जाएगा तब हम लोग जो हैं इस भौतिक संसार से हमें छुटकारा मिल सकेगा। तो भगवत गीता का पहला लेसन ही अर्जुन को जो भगवान देते हैं, बाद के लेसन अलग है, पहला लेसन जो सेकंड अध्याय है अर्जुन के इल्यूजन होने के बाद में, पहले लेसन में जो सेकंड चैप्टर है, भगवान जो है आत्मा ज्ञान देते हैं किस प्रकार से शरीर अंतवंत इमे देहा नित्य स उक्ता शरीरिणः, ये शरीर एक दिन जन्म लेता है एक दिन मरेगा, इसके अंदर में जो आत्मा है वो परमानेंट है। तो एक बंगाली में एक कथा है, बड़ी सुंदर कथा है, उसके बाद में हम लोग समाप्त करेंगे। शेषेर भेतेर भूजे गेहे, प्रभुपाद बताते हैं एक कथा है, एक जो भूत था वो शाश्वा बोलते हैं ना, मस्टर्ड, करेक्ट, उसके दाने के अंदर में घुस गया। मतलब क्या है जरा, बहुत बढ़िया उसका मतलब है समझने का।
क्या होता है, जब किसी आदमी को भूत पकड़ लेता है तो हम लोग जो है उसको लेकर के जाते हैं, कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं भूत को भगाने में, तो भूत को भगाने के समय में मस्टर्ड सीड मंत्रों के रूप में जो है उनके ऊपर मंत्र पढ़े जाते हैं और उनको जो है जिस आदमी के ऊपर भूत चढ़ा है उसके ऊपर फेंका जाता है, तो उससे क्या होता है भूत जो है शरीर से निकल करके भाग जाता है जिस आदमी के शरीर में भूत चढ़ा हुआ है, घोस्टली हॉन्टेड। तो प्रभुपाद बताते हैं कि अगर भूत जो है वो मस्टर्ड के सीड के अंदर में घुस गया है और तुम मस्टर्ड के सीड को फेंक रहे हो और सोच रहे हो कि भूत भागेगा, वो कहां से पॉसिबल है। तो शेषेर भेतेर भूजी गेहे, भूत जो है वो शाश्वे के दाने के अंदर में, सरसों के दाने के अंदर में, मस्टर्ड सीड के अंदर में घुस गया है। पहले हमें यह पहचानना है, मतलब क्या है, भूत इस शरीर में है, ये शरीर दुखों का कारण है और हम लोग सोच रहे कि इसी शरीर के द्वारा दुखों का निवारण होगा, वो पॉसिबल नहीं। यही शरीर ही दुखों का कारण है और हम लोग सोच रहे हैं इस शरीर के द्वारा दुख का निवारण होगा, नहीं। हमें पहले समझना है ये शरीर कलमशों का दुखों का कारण है, इस शरीर से अनासक्ति जब हम लोग आत्म साक्षात्कार में समझ पाएंगे कि आत्मा और शरीर अलग है, और जब हम इसको रियलाइज करते हैं, इसकी अनुभूति होती है, तब जाकर के जो है शरीरों के दुखों से हम लोग बाहर आ सकेंगे। और वो सरल तरीका कलयुग के अंदर में कृष्ण भावनामृत के द्वारा है, अलग से उसका कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। केवल ऐसे सोचने मात्र से मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इसका मतलब ये मत सोच लो कल से आपके शरीर के ऊपर दुख नहीं आएगा और आपको कोई दुख नहीं लगेगा, नहीं, वो अनुभूति अलग होती है। प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे सर्जरी में आपने देखा होगा आपके शरीर में पेन होता है, लेकिन सर्जरी के टाइम में आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, अगर आर्टिफिशियल तरीके से आपका पेन अलग किया जा सकता है ना, फिर आपको पेन नहीं हो रहा है, डॉक्टर आपके हाथ को काट रहा है ऑपरेशन के टाइम में, आपको पेन नहीं हो रहा है। तो अगर मटेरियली पॉसिबल है, स्पिरिचुअली कितना पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, ये हमें समझना है। तो जब हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, ब्रह्मा भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, जब हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, तब शरीर के दुख सुखों से हम लोग परे हो जाते हैं, अन्यथा केवल बोलने मात्र से नहीं होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले पहचानना इंपॉर्टेंट है, ये शरीर ही दुख का कारण है। तो भगवान जो है भौतिक संसार में अवतार लेकर के आते हैं, स्वयं आते हैं, भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, जीवों को उनकी ओरिजिनल स्थिति समझाने के लिए, ताकि हम लोग जो है ये भौतिक शरीर, भौतिक संसार, अनेकों प्रकार की भोग की जो हमारी इच्छाएं हैं, इन सब से धीरे धीरे अनासक्त होकर के भगवान की भक्ति के द्वारा दोबारा अपनी जो है ओरिजिनल स्थिति में स्थापित हो सके। उसके लिए भगवान जो है अपने भक्तों की प्रोटेक्शन के लिए और दुष्टों के विनाश करने के लिए, जो इसमें बाधा डालते हैं, इसके लिए भगवान हमेशा आते हैं। तो यही यहां पर जो है आज के श्लोक में बताया गया है कि भगवान स्वयं आएंगे, इन दो दुष्ट राक्षसों का भगवान स्वयं संहार करेंगे, ताकि जो भक्त लोग भगवान की शरण में आना चाहते हैं, जिनको ये लोग पीड़ा देंगे, जो भगवान की योजनाओं में अनेकों प्रकार की जो है बाधाएं डाल रहे हैं ये दुष्ट लोग, भगवान जो है इन दोनों का विनाश करने के लिए स्वयं आएंगे। तो ये बताया गया है, इसके साथ हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।